विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, आपसे पूछा गया है इनमें से गलत कौन सा है। ठीक है, कॉन्स के बारे में, किसके बारे में, कॉन्स के बारे में। द डे लाइट या फोटोपिक विजन एंड कलर विजन आर फंक्शन ऑफ कॉन्स। एब्सोल्यूटली, सी फॉर कॉन्स, सी फॉर कलर, कलर। ठीक है, या इसको कलर भी लिखते हैं, COLOUR, व्हाटएवर। ठीक है, तो कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हो गए, कॉन्स है। इन ह्यूमन आई देर आर थ्री टाइप ऑफ कॉन्स हैविंग हैविंग कैरेक्टरिस्टिक फोटो पिगमेंट्स दैट रिस्पॉन्ड टू रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट। अब देखिए, रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट के लिए इसके पास कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट्स कौन कौन से हैं, यहाँ लिख देती हूँ, एरिथ्रोप्सिन, क्लोरोप्सिन, थर्ड, एक्सक्यूज मी, साइनैप्स। ठीक है, दिस कलर इज बेसिकली रेड। ओके, दिस इज फॉर ग्रीन एंड दिस वन इज फॉर ब्लू। ब्लू सियान कलर या ब्लू कलर, क्लोरो वर्ड इज फॉर ग्रीन एंड एरिथ्रो ब्लड वेसल्स वाला कलर रेड। ठीक है, तो इन ह्यूमन आई देयर आर थ्री टाइप ऑफ कॉर्न सेल्स जो तीन अलग अलग टाइप के कलर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब ये कलर के अलग अलग कॉम्बिनेशन, इन प्राइमरी कलर्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलके एन नंबर ऑफ कलर्स हमारे बन जाते हैं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट, द सेंसेशंस ऑफ डिफरेंट कलर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री टाइप ऑफ कोन्स। एब्सोल्युटली, यही थ्री टाइप के कोन है ना, वन, टू एंड थ्री, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। ओके, सारी स्टेटमेंट है, व्हेन दीस थ्री टाइप ऑफ कोन्स आर स्टिम्युलेटेड इक्वली अ सेंसेशन ऑफ व्हाइट लाइट इज प्रोड्यूस्ड। अब देखिए, जो प्रिज्म है, दिस इज अ प्रिज्म, अज्यूम दैट इट इज अ प्रिज्म, दिस इज व्हाट अ प्रिज्म। हम लोग फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट में पढ़ते हैं, दिस इज योर व्हाइट लाइट, ये व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट को जब एक प्रिज्म पर गिराया जाता है, इसके कलर वेरिएशंस आ जाते हैं। ठीक है, दिस इज योर कलर, कलर्स। ठीक है, तो ये कलर्स कहाँ से आए, बेसिकली व्हाइट लाइट जो है ये सारे कलर्स को मिला करके जो कलर बन गया है वो कौन सा कलर है, व्हाइट लाइट। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, व्हाइट। बेसिकली इसमें सारे ही कलर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड ब्लैक कलर इज बेसिकली इट एब्जॉर्ब्स ऑल द कलर्स। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, ब्लैक एब्जॉर्ब ऑल कलर्स, एब्जॉर्ब ऑल कलर्स, इसीलिए ब्लैक कलर हीट प्रोड्यूस करता है। व्हाइट रिफ्लेक्ट्स ऑल कलर्स, रिफ्लेक्ट ऑल कलर्स। ठीक है, ये दो जनरल नॉलेज की बात है कि व्हाइट कलर जो है ये सारे लाइट्स को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए गर्मियों में व्हाइट कलर प्रेफरेबल होता है। ब्लैक कलर हर तरीके के कलर को एब्जॉर्ब करता है, हर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, तो बेसिकली वो लाइट एब्जॉर्ब करने की वजह से हीट अप करता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था फॉल्स स्टेटमेंट, तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है, तो योर आंसर विल बी नन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, नन।